मा, अब यो इन्डेसेसमा हामीले पहिला एउटा लेखिरहेछु थ्री एक्स टु दिवर फोर थ्री एक्स टु दि पावर फोर यो थ्रीलाई हामीले कोफिसियन्ट कोफिसियन्ट को यो एक्सलाई हामीले बेस भन्ने गर्छौँ बेस यो फोर लाई हमें पावर पावर इंडेक्स इंडेक्स और इसलिए एक्सपोनेंट पनी बनना मिल जाए एक्सपोनेंट यानी कि थ्री एक्स टू दी पावर फोर मा थ्री लाई हमें कोफिशिएंट एक्स लाई हमें बेस फोर लाई पावर इंडेक्स रा एक्सपोनेंट भाष अब अर्क मई यो थ्री इज इक्वल कफिशिन्ट ये एक्स इज्कल टू बेस रोर इज टू पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट यो, यो एक्स को जो कफिशिन्ट थ्री बार हमें तपाईलाई भर्क मई एक्स टू दी पावर पी बाई

indices indices यो laws of indices बने पच्ची हमें पहला इसको basic concept अनेक introduction में हमें law of indices को बारे में पहला जानूं indices को law के हो घटान को नियम के हो तो law of indices में पहले हम लोग उसे पहला multiply में base same बने power लाई एड करना पड़ता मल्टीप्लाई में जैसे कि x टू दी पावर a इनटू x टू दी पावर p यो a लाई पावर बने हो p लाई पनी पावर बने यो x रह x बेस हो र मल्टीप्लाई में बेस सेम बाय बने सेम बेस र पावर लाया मिले ऐड करना मिल सा a plus p और p plus a अबे यो ऐड हो दे ना यो ऑनलाइक टॉम हो तो इससे और कोई एग्जांपल मिले में बेस सेम भो जो पावर हमी एड कर अर्क इक्जापल मैं प्लस वाई टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई टू दी पावर एट मटीप्लाई में यो एक्स प्लस वाई बेस हो यो बेस को पावर थ्री हो एक्स प्लस वाई बेस हो यो पावर एट हो यो मट्टीप्लाई में बेस सेम भेम बेस हम लेख एक्स प्लस वाई इसको पावर थ्री प्लस 8, X प्लस एक्स वाई टू दी पावर इलेवेन अर्क एक्जापल मल्टिप्लाईम बेस सेम भी प्लस वन बाई क्यू होल टू दी पावर माइनस थ्री इन पी प्लस वन बाई क्यू होल टू दी पावर एट यहां पर हम बेस सेम छ रिनेसन मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई गुना मल्टिप्लाई में बेस सेम भो सेस हम ले पी वन बाई क्यू रच माइनस थ्री प्लस एट पी प्लस वन बाई क्यू पावर माइनस थ्री प्लस एट मींस प्लस फाइव भो हम मल्टीप्लाई में बेस सेम भरलाई एड करता अब आयो कन्डिसन हाम्रो हो डिभाइडमा डिभाइडमा बेस सेम भयो भने इन्डिसेसको सेकेन्ड ल दोस्रो ल म लेखिरहेको छु डिभाइडमा बेस सेम भयो भने पावर सफ्टेट गर्न मिल्छ जस्तै एक्स टू दि पावर थ्री बाई एक्स टु दि पावर टू यो एक्स टु दि पावर, पावर एक्स बेस हो थ्री पावर हो एक्स बेस हो टु पावर हो अनि यो डिभाइड फर्म हो यो जुन लाइन लेखेछु लाइन यो डिभाइड लाइन हो अभी डिवाइड में बेस सेम सेम बेस एक्स रेड थ्री माइनस टू एक्स टू दी पावर थ्री माइनस टू वन एक्स को पावर वन एक्स नर्क हम डिभाइडम एक्जापल बताइ ए प्लस वन बाई b को पावर थ्री a प्लस वन बाई बी पावर माइनस टू अब यहाँ डिवाइड में बेस सेम बने सेम बेस लिखने पावर सब टेट करने थ्री प्लस टू फाइभ हुन गयो अर्को हाम्रो इक्जाम्पल हुन जान्छ माइनस क्यु डिभाइडमा बेस सेम भयो

सेम बेस लेख्छौँ अनि पावरलाई सप्टेट गर्छौँ पावरलाई सपटेट मिन्स पी प्लस क्यु प्लस आर यो नोमिनेटरमा गयो भने माइनस पी माइनस क्यु नोमिनेटरमा गयो भने प्लस क्यु पी पी क्यान्सिल एक्स टु दि पावर क्यु प्लस क्यु टू प्लस आर यो भयो डिभाइडमा बेस सेम भयो भने पावरलाई सपटेट डिनोमिनेटर में पावर निगेटिव छो तो नोमिनेटर में ज्यादा खरी पोजिटिव भैया अर्को हम इजापल एक्स टू दी पावर ए इसी डिवाइड कर एक्स टू दी पावर बी दीद यहाँ पर बेस सेम छ दुईट बेस में हम डिभाइड को कंडीसन यूज हो अफ इंडस्ट्रेज को वाला रूल यूज हो डिडमा बेस सेम भेम बेस एक्स लेखने पावर लाई

हाम्रो सेम भयो भने ए बाई बी पावर सिक्स लेख्न मिल्छ ए बाई बी ए स्क्वायर बाई बी पावर थ्री भयो भने यहाँ पावर र लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ ए टु दी पावर सिक्स या क्यू? बने या पावर वन छू थ्री थ्री भक्जापल हमें एंड पावर, पावर मल्टीप्लाई में सपोज ए टू दी पावर एक्स बी टू पावर एक्स यहाँ पावर तो सीम b होल टू दि पावर एक्स लेख्न मिल्छ त्यसै गरेर पावर सेम भयो भने ए प्लस वान बाई बी पावर पी बी प्लस वान बाई ए पावर पी अब दुइटैको पावर हाम्रो सेम भयो त दुइटैको पावर सेम भयो भने हामीले के गर्न मिल्छ ए प्लस वान बाई बी B प्लस वान बाई A होल्ड टु दि पावर p एउटै पावर P ले डिनोट गर्न मिल्छ अब हाम्रो यसमै आउँछ फोर्थमै अब सँग रिलेटेड 3 कमा p a कमा ए प्लस बी पावर P वन बाई पी वन बाई पी टू डिग्रो अब हम यहाँ तो सर्ट्स को डिग्री पी तो हम टू रूल इसमें हमें के थ्री को थ्री यो रूट लिमुव गए हटाओने वन यहाँ डिग्री टू छू लेको सीम्प्लिफाई फॉर्म पी ये रूट लिमुव गए हटाओ बैंने वन यहाँ डिग्री सिक्स छाल यहाँ p p को पावर वन रूट हटाया हमें रूट हटाया वन अवर छी टू दी पावर वन बाई ए प्लस बी इस क्या प्रोफ भैर जो डिग्री इंटरनल जो बेस इसको पावर में आए डिभा अब इस एक्स टू दी पावर इसको पावर कहीं छे वन असम डिभाइड करो वन बाईपी यिड ल मल्टिप्लाई में चेंज कर पी कि पावर पी इर्स भैर वन बाई पी पी बाई पी भई अब हम अर्को रूल इसमें इंडिशेम योजना एक्सपोनेंसि इक्वेसन में यूज होक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टु अब आयो हाम्रो ट्वेन्टी सेभेन त एक्स टु दि पावर एक्स ट्वेन्टी सेभेनलाई थ्रीको क्यु गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड को बेस र पावर सेम छ राइट ह्यान्ड को पनि बेस र पावर सेम छ त यो केसमा हामीले को भ्यालु थ्री लेख्न मिल्छ तर यसैमा कतिले भनिदिन्छ सर एक्स टु दि पावर एक्स इज इक्वल टु एट भयो भने तो एक्स टू पावर एक्स एट एक लाई टू को क्यू भाई बने। अब यो केस में एक्स को लेफ्ट साइड को बेस पावर सेम छ राइट हैंड साइड को बेस पावर सेम रेम छक्स टू पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 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 पावर थ्री लेफ्ट राइट को बेस अर्को पावर अब निगेटिव हामीले के गर्ने जिससे टू टू पावर माइनस वन भाई तो यह निगेटिव लाइनस लिमुव गए सेम लेखने टू टू दावर वन टू टू पावर वन मिस टू भारती टू दी पावर माइनस टू भाई हमीर इसलिए सल्व कर पावर निगेटिव लोजेटिव करना को पावर टू तस्ते ए प्लस बी टू दी पावर माइनस टू आयो पावर निगेटिव पोजिटिव को हमें के करो वन बाई ए प्लस बी को पावर टू ये पावर निगेटिव लोजिटिव कर दिए पी प्लस क्यू होल टू दी पावर माइनस थ्री भगेटिव लोजिटिव ये निगेटिव लान यो माइनस यहाँ छह वन दिए इसलिए डिनोमिनेटर में लगे लिख दी पीछे पोजिटिव ह अब अर्को लमै हो यसलाई तपाईँले इन्डिसेसकै लमा हो अर्को ल भनेपछि हामीले के हेर्नु पर्यो सपोज ए और बी बी बाई ए पावर माइनस टू भयो भने बी बाई ए पावर माइनस टू भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ होला यो बनाएको अर्थ कि बी टु दि पावर माइनस टू यो बनाएको अर्थ कि ए टु दि पावर माइनस टू अब हाम्रो यो पावर निगेटिव लोजिटिव को वन बाई बी स्क्वायर अगेटिव पोजिटिव को वन बाई ए स्क्वायर अब हमें के वन बाई बी स्क्वायर अडला मल्टिप्लाई में चेंज गए स्क्वायर बाई वन सो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अब यह डिभाइड में तो तर बेस सेम छिड में बेस सेम हो सेम बेस लेखर पावर सपेट करते मट्टीप्लाई में मल्टिप्लाई को रूल यूज करते अब यहाँ दुईट को डिग्री सेम छ छई बी को पावर टू लेख फाइनल हाल ले। अब यह सब स्टेप नगर हमें डाइरेक्ट इस मिले बी बाई ए होल टू दी पावर माइनस टू डाइरेक्ट ए बाई बी लेख्वला जो पावर निगेटिव छोटे पोजिटिव आर्क इजांपल ले पी बाई क्यू होल टू दी पावर माइनस थ्री यानी कि के भैसे इसमें इनभर्स भाई डिनोमिनेटर नोमिनेटर को पोजिशन में गए नोमिनेटर डिनोमिनेटर को पोजिशन में आए पी बाई क्यू लाई म क्यू बाई पी लिख दी पावर को साइन चेंज भिहाल माइनस प्लस छह हाँ सपोज प्लस यहाँ माइनस छाइनस भिहाल्षम कहीं हमें पावर माइनस में एंसर निर्को फिर इजापल लि रहे हेन कोई बेनिफिट सा? जैसे टू बाई थ्री टू दी पावर हम से छ मल्टिप्लाई थ्री बाय टू टू दी पावर सिक्स भाई अब मल्टिप्लाई तो बेस सेम छ मल्टिप्लाई में बेस सेम सेम बेस लेख रहा ले पावर एड करना मिलते तर यहाँ तुम्हारे सीचुएसन छा हमें यहाँ तो टू बाई थ्री थ्री बाय टू कर या थ्री बाई टूलाई टू बाई थ्री बनाउनु पर्यो त टू बाई थ्री टू दि पावर सेभेन इन्टु थ्री बाई टूलाई टू बाई थ्री पावर सिक्स मल्टिप्लाईमा अब बेस सेम भयो त अघि त मैले भने थ्री बाई टूलाई टू बाई थ्री गऱ्यो भने के गर्नु पर्यो पावरको साइन चेन्ज गरिदिनु पर्यो यो प्लस छ भने अब माइनस भयो मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस पावरलाई एड गर्नु पर्यो टू बाई थ्री सेभेन माइनस सिक्स वान हुन्छ यतिकै लेख्न मिल्छ अर्को इक्जाम्पल अब तपाईँलाई म एउटा प्रुफ छु प्रुफ द्याट प्रुफ द्याट एक्स टु दि पावर जिरो इज इक्वल टु वान तपाईँले के बुझ्नु पर्यो ये एक्स इज नट इक्वल टू जीरो ना। और जीरो होना सकते अरुण नंबर होना सर जीरो एक्स इज नट इक्वल टू जीरो एक्स कहीं एक्स इज इक्वल टू जीरोक्स जीरो गो एक्स इज नट इक्वल टू जीरो एक्स कहीं जीरो हो जीरो पावर जीरो भैया ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो काम लगे X इज not इक्वल टु 0, where X इज not इक्वल टु 0, लेफ्ट ह्यान्ड साइड X टु the पावर 0, अब मैले के गरे, X to the पावर यो लाई मैले 2 2-2 गर्न सक्छु 3-3 थ्री गर्न सक्छु 4 माइनस फोर गर्न सक्छु यो 0 भनेपछि 0 भनेपछि 4 माइनस 4 5 माइनस 5 a माइनस ए p माइनस पी गर्न मिल्छ

यहाँ तपाईँले म एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिरहेछु प्रुभ द्याट एक्स टु दि पावर जिरो इज इक्वल टु वान भनेपछि यहाँ एक्स इज नट इक्वल टु जिरो एक्स यहाँ जिरो छैन त एक्स टु दि पावर जिरो इज इक्वल टु मैले एक्स बेस लेखेकै छु यो पावर जिरो भनेपछि थ्री माइनस थ्री लेखेँ कन्सटेन्ट भ्याल्यु माइनस कन्सटेन्ट भेल्यु लेखेँ भेरिएबल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पी माइनस पी लेख्न मिल्छ अनि यो एक्स टु दि पावर थ्री पनि हो एक्स टू दी पावर माइनस थ्री एक्स टू दी पावर थ्री लिखे पावर नेगेटिव जो एक्स टू दी पावर माइनस थ्री है इसलिए वन बाई एक्स टू दी पावर थ्री एक्स टू दी पावर थ्री एक्स टू दी पावर थ्री कैंसिल भो यो हम प्रूफ भर कि एक्स को पावर जीरो भारतीय या टू को पावर जीरो भो कि जीरो भो वन एक्सेप्सनल जीरो जीरो छोड़कर नंबर को पावर जीरो भो वन हो अब अर्को म लागिरहेछु तपाईँलाई यतातिर वान प्लस एम टू दि पावर जिरो यसको सल्युसन गर्नु पर्यो भने वानको वान लेख्नु होला एम टु दि पावर जिरो भनेपछि वान वान प्लस वान टू भयो यसैलाई तपाईँले ब्राइकेट क्लोज गरिदिन्थ्यो त्यो टोटल यो अब बेस भयो वान प्लस यम बेस भयो यो पुरै बेसको पावर जिरो हो भने यसलाई हामीले डाइरेक्ट वान लेख्न मिल्छ अर्क वन टू दी पावर वन टू दी पावर यदि हंड्रेड लेख हम भू कान टू दी पावर हंड्रेड बने पीछे वन इंटू वन इंटू हंड्रेड टाइम्स रिजल्ट वन हो यानी कि वन को पावर जे भो रिजल्ट वन हो अब मेख दिए ए वन टू दी पावर ए प्लस बी प्लस फाइव टू दी पावर एम तो यहाँ वन को पावर ए प्लस बी छ वानको पावर ए प्लस बी मिन्स यो वान भयो अब फाइभ टु दि पावर जिरो भनेपछि वान भयो यो वान प्लस वान टु भयो अब अर्को यो ल भनेपछि इन्डिसेसको लौ यदि तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभयो भने तपाईँले यो टपिकमा धेरै कम प्रब्लम पुग्छ अब अर्कोमा तपाईँले इक्जाम्पल मैले लिइरहेछु एक्स टु दि पावर ए माइनस बी भो इस स्टेप बाय स्टेप सो गुन पर्देन ये भाई को अर्थ कि एक्स टू दी पावर ए हो अक्स टू दी पावर माइनस बी हो ये एक्स बेस हो रो बेस को पावर ए हो रहा यही बेस को पावर माइनस बी प्लस सी हो सी लेना मिलते एक्स टू दी पावर ए अब यह पावर निगेटिव छोजिटिव बनाने को लग वन बाई एक्स टू दी पावर बी कर दब यह भ एक्स टू दि पावर ए बाई एक्स टु दि पावर बी अब यो राइट छ कि रङ छ डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेख्छौँ पावर सब्टेट गर्छौं ए माइनस बी अब हेरौ त यति धेरै प्रोसेस हामीले नहेराएर डाइरेक्ट यति लेख्न मिल्थ्यो यो नसो गरे पनि भनेको अर्थ के यस्तो केसमा तपाईँले के गर्नु होला गर्नुहोला को पावर ए होला अर्को एक्सको पावर माइनस बी भयो यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याएर राखिदिनु होला यो प्लस भइहाल्छ अर्को म्याक्सिमम्ले स्टुडेन्टले सल्भ के गर्छ हेर्नु होला म जस्तै थ्री टू दि पावर एक्स प्लस वान प्लस थ्री टू दि पावर एक्स थ्री टू दि पावर एक्स इन्टु एट भयो अब इस तो में की सा। यो में के पी तो प्लस थ्री बेस हो एक्स प्लस वन पावर हो तो थ्री पावर एक्स थ्री पावर वन प्लस थ्री पावर एक्स डिनोमिनेटर में थ्री पावर एक्स इंटू एट अब नोमिनेटर में हम कमन थ्री टू दी पावर एक्स कमन भो रिमेनिंग थ्री टू दी पावर वन प्लस वन डिनोमिनेटरमा थ्री टू दि पावर एक्स इन्टु एट यसलाई क्यान्सल नगरिदिनु होला यहाँ को ल युज गर्यो भने डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेखेर हामीले सपटेट गर्न मिल्छ या त तपाईँले नोमिनेटर र डिनोमिनेटर सेम छ भने यसलाई छोडिदिनुहोस् थ्री टू दि पावर वान मिन्स थ्री प्लस वान बाई एट अब थ्री प्लस वान फोर फोर बाई एट फोर वान जा फोर टू जा बाई

भनेपछि हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ मल्टिप्लाइमा बेस सेम छ भने सेम बेस लेख्छौँ यसको पावरलाई एड गर्छौँ ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए ए क्यान्सिल भयो बिएन बी क्यान्सिल भयो एक्स टु दि पावर जिरो अनि एक्स टू दि पावर जिरो भनेपछि के वान भइहाल्यो अर्को भनेपछि हामीले टु यस्तै म टु प्लस एम टू दी पावर जीरो लेखे यो केस में कति लेखना मिले तो टू में टू लेखे एम टू दी पावर जीरो वन टू प्लस वन थ्री होपारिक विश्राम को विश्राम पच्चीस मन आने ना तब समय तीवी बीरगाज रेडिओ सुनोस् नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर कस्तो राम्रो बनाएछौ <laughs> तपाईँहरूकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि मुद्रुपको कुरा गर्यो खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबिन तेल त हो नि वर्षौदेखि हरेक घरको उचा संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबिन तेलबिन विकास संभव मजबूत निर्माण मजबूत निर्माण बन अम्बे स्टेस अम्बे स्टेस जे बन दिगो बन सुनने वाली दो किलो सोना दे रहा बा अपन बेटा के 2000 किलो सोना काश वो हमारे बेटी से शादी करे अरे चोरी के हा। आई देखा दो हजार किलो सोना सोन, सोन, सोन। अपने भी घर ले आई सोना मैसी प्रदूषण रेंज के ट्रैक्टर सब जो मैसी हेडोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल ट्रैक इंजन डीजल बचाए बोझा उठाए शाम से तभी तक फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन मैसी के टू फोर वन डी आई ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना सोना रिलायन्स टेलिभिजन नेटवर्क एन्ड युआर वाचिङ पुनमित विद्यार्थीहरूलाई यो म्याथ क्लासमा स्वागत गर्दछौ अब म क्वेसन लिएको छु रिलेटेड फर्स्ट क्वेसन छ हाम्रो वाट इन्डेक्स ट इंडेक्स ऑफ फाइव एम मेक्स दि भैल्यू दि भैल्यू इक्वेल इक्वेल टु वान टु दि पावर ए प्लस बी वान मार्क्सको प्रब्लम हो मैले अघि नै भनेको थिएँ कि यो इन्डिसेसबाट तपाईँलाई भेरी सर्ट सर्ट र लङमा ग्रुप एमा त भेरी सर्ट क्वेसन भयो ग्रुप बीमा सर्ट क्वेसन भयो र ग्रुप सी र डीमा कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमा दिन्छ भेरी लङ या कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमा दिन्छ अर्को मलाई यसलाई सल्युसन गर्दा ग्रुप सी र ग्रुप डी जुन छ हाम्रो दुइटै लङ क्वेसनै हो तर ग्रुप डी भनेपछि भेरी लङ क्वेसन हो वाट इन्डेक्स या इन्डेक्सलाई हामीले पावर भनेर पनि बुझ्छौँ पावर या यानेन्ट इन्डेक्स पावर ओर एक्सपोनेन्ट वाट इन्डेक्स अफ फाइभ एम मेक्स द भ्यालु इज इक्वल टु वान टु दि पावर ए प्लस बी फाइभको इन्डेक्स कति राख्यो भने कति भयो भने यो इक्वल टु वान टु दि पावर ए प्लस बीसँग इक्वल हुन्छ त म यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर म तपाईँलाई बताइदिन्छु यसको इन्डेक्स यदि जिरो राख्यो इक्वल टु यो इक्वल टु साइन भयो वान टु दि पावर ए प्लस बी अनि यसको पावर जिरो भनेपछि यहाँ वान भयो यो साइड पनि वान नै आउँछ किनभने वानको पावर यहाँ हामीले थाउजन्ड पनि राख्यो भने वानै हुन्छ यानि कि अब हामीले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि के लेख्छौँ द इन्डेक्स अफ फाइभ सल्युसन हेन्स या देयरफुर द इन्डेक्स द इन्डेक्स अफ फाइभ एम इज जिरो देन देन द भ्यालु इज इक्वेल टु वान टु दि पावर ए प्लस बी यानि कि फाइभ एमको इन्डेक्स जिरो भयो भने त्यसको भ्यालु हाम्रो कति भइहाल्छ वान टु दि पावर ए प्लस बीसँग इक्वेल हुन्छ अर्को क्वेसन अर्को क्वेसनमा लिइरहेको छु दाइन दी प्रोडक्ट फाइन दी प्रोडक्ट यो इंडिसेस को लड़ो एक्स टू दी पावर फाइव इंटू एक्स टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई में बेस सेम भाई बने, सेम बेस लेवर एड करो एक्स टू दी पावर एट भैंक इजाम्पल इस लिरा चौंक ए टु दि पावर थ्री मल्टिप्लाई वान बाई ए टु दि पावर माइनस फोर अब यो ए टु दि पावर थ्री नोमिनेटरमा छ यो ए टु दि पावर माइनस फोर डिनोमिनेटरमा छ अब यसलाई हामीले यस्तो पनि गर्न मिल्छ ए पावर थ्री इन्टु यो डिनोमिनेटरमा पावर नेगेटिभ छ यसलाई नोमिनेटरमा लग्यो भने पोजिटिभ हाल्छ अनि मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेखेर यसको पावरलाई एड गर्न सक्छौँ थ्री प्लस अब यसैमा कतिले भन्छ सर यसलाई हामीले यो डिभाइडमा बेस सेम छ भने सेम, सेम बेस लेखेर पावर सपटेट गर्न मिल्छ कि मिल्छ तर यो माइनस छ भने नोमिनेटरमा यति के प्लस भइहाल्छ ए टु दि पावर सेभेन नै हुने हो अर्को इक्जाम्पल अर्को इजापल टू हंड्रेड सिक्सटीन होल टू दी पावर टू बाई थ्री टू हंड्रेड सिक्सटीन को होल टू दी पावर टू बाई थ्री भाई कति हो टू हंड्रेड सिक्सटीन को फैक्ट्राइज निल्ने होना डाइरेक्ट धेल कुलसन क्योंकुलेटर ने रूट थ्री थ्री क्यूब रूट कर सिक्स को क्यूब भैया टू ले गए वन हंड्रेड एट भैया टू ले गयो फिफ्टी फोर भैया टू गय ट्वेंटी सेवेन भैया थ्री ले टू टू मिन्स टू को क्यूब थ्री थ्री मिन्स थ्री को क्यूब अ दुटे को डिग्री सेम भू इन्टू थ्री होल को क्यूब टू थ्री जिक्स को क्यूब तेल हमें सिक्स को क्यूब इंटू टू बाई थ्री इंटू कवर और पावर हमारे मल्टिप्लाई करने कैंसिल भाई सिक्स को स्क्वायर सिक्स को स्क्वायर थर्टी सिक्स डायरेक्ट में लिखना मिले फैक्ट्राइज सो कर एक्जापल मेरे फिफ पावर हो अनि अर्को दिएछ 243 बाई वन जीरो टू फोर वन जीरो टू फोर अब इस हमें सल्व करू फोर्टी थ्री प्ले तो यह रूट लाई रिमुव गए टू फोर्टी थ्री बाई वन जीरो टू फोर होल टू दी पावर रूट रिमुव गए फाइव छाइव अब टू फोर्टी थ्री थ्री पावर फाइव भैया थ्री लेटी वन थ्री लेवेंटी सेवेन थ्री ले नाइन थ्री ले थ्री थ्री पावर फाइव भैया अब वन जीरो टू फोर लाइन टू ले गए फाइव वन टू टू लेन ट्वेंटी एट टू ले सिक्सटी फोर टू ले थर्टी टू टू ले सिक्सटीन सिक्सटीन में फिर टू 8, एट में टू ले गए फोर टू ले टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेन 2 भार टू पावर टेन लेख टू पावर टेन न लेखने हमीर फोर पावर फाइव पी लेख मिले इसी बाई फोर को पावर फाइव लेख दी इंटू वन बाई फाइव 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 कैंसिल थ्री बाई फोर एंसर मैं मजापल अब को इजापल हम रहे यही ए संग नहीं रिटेड ए मैनस बी रूट एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब तो योना के हमें एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं इंडिशेस को ल पढ़ाए के जो बेस को पावर तो हो पावर में आएर ए मैनस बी डिवाइड कर दी एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर छाइनस बी ए माइनस बी ए मैनस बी टू दी पावर ए प्लस बी यही भोसर अर्क क्वेश्चन हम सिक्स वन बाई सिक्सटी फोर होल्ड टू दी पावर माइनस वन अब मैं अगर थे यदि पावर निगेटिव छोजिटिव बना पे सिक्स को मिशे लेख दिए वन बाय सिक्सटी फोर को पावर माइनस छोजिटिव इनवर्स कर दिखी फोर बाई वन तो डिनोमिनेटर में वन नलेख पिक्सटी फोर अब सिक्सटी फोर लू टू दावर सिक्स अनि रुट रिमुभ गर्यो भने वान बाई सिक्स अब यो सिक्स र सिक्स क्यान्सिल भयो सो टू भयो अर्को इक्जाम्पल यो इन्डिसेसको ललाई एकदम राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र त्योसँग रिलेटेड जुन म प्रब्लमहरू बताइरहेको छु त्यसलाई पनि एकदम राम्ररी अर्को क्वेसन्स हाम्रो इक्जाम्पलमै फोर टु दि पावर एक्स प्लस वान माइनस फोर टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू फोर टू पावर एक्स अब यह नोमिनेटर में हमें फोर टू दी पावर एक्स इंटू फोर टू दी पावर वन मल्टिप्लाई में बेस सेम भो सेम बेस लेखे पावर एड करना मिलता माइनस फोर टू दी पावर एक्स अब डिनोमिनेटर में थ्री मल्टिप्लाई दुटे हमारे मल्टिप्लाई साइन हो डट र क्रस फोर टु दि पावर एक्स अब नोमिनेटरमा कमन हाम्रो कति नोमिनेटरमा अब कमन निकाल्नु पऱ्यो त नोमिनेटरमा कमन भयो फोर टु दि पावर एक्स फोर टु दि पावर वान माइनस वान डिनोमिनेटरमा थ्री इन्टु फोर टु दि पावर एक्स फोर टु दि पावर एक्स फोर टु दि पावर एक्स क्यान्सिल भयो यो फोर माइनस वान थ्री भयो थ्री बाई थ्री थ्री बाई थ्री भनेपछि थ्रीमा थ्रीले डिभाइड गर्यो भने वान भइहाल्छ अर्क में यो क्लास एट नाइन रेन तीनटे ते क्लास का विद्यार्थी कक्षा का विद्यार्थी प्क्टिश कर सकूसिज अर्क हम फाइव मल्टीप्लाई टू टू दी पावर ए माइनस फोर मल्टीप्लाई टू टू दी पावर ए माइनस टू होल डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर ए प्लस टू माइनस टू टू दी पावर ए प्लस वन अब इस हमें सल्व कर फाइव इंटू टू टू दी पावर ए माइनस फोर इंटू टू पावर ए टू टू दी पावर माइनस टू होल डिवाइडेड भाई डिनोमिनेटर टू टू दी पावर ए टू टू दी पावर टू पा टू को पावर ए प्लस वन लाई टू टू दी पावर ए टू टू दी पावर वन अब यह नोमिनेटर में हम कम टू टू दी पावर ए आयो फाइव माइनस फोर इंटू टू टू दी पावर माइनस टू भाई अब पावर माइनस छ मिले वन बाय टू टू दी पावर टू कर दूध होल डिवाइडेड बाई टू टू पावर ए डिनोमिनेटर में कमन आयो रिमेनिंग टू टू पावर टू माइनस टू टू दी पावर वन टू टू दी पावर ए टू टू दावर ए कमन भाई अब टू टू दावर ए डिड बाय टू टू दावर ए वन भाइव माइनस फोर इंटू वन बाई फोर टू को स्क्वायर फोर टू स्क्वायर मीन्स फोर माइनस टू फोर फोर कैंसिल भाइव माइनस वन फोर माइनस टू टू फोर बाई टू फोर में टू लेड ग टू वन जा टू टू जा यानी कि टू एंसर भो अर्क इजापल अब तपाईँले क्लास एट नाइन र टेन तिनटै कक्षाका विद्यार्थीहरूले यो इन्डिसेज प्र्याक्टिस गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई प्रब्लम पर्छ भने भोलि सेम फाइभ फिफ्टिनमै हाम्रो फेरि इन्डिसेज नै म लिएर आउँछु त्यो लेभल क्लास एट नाइन टेन तिनटै लेभलका विद्यार्थीहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र आजका कार्यक्रम हाम्रो यहीँ समाप्त हुन्छ नमस्कार